दिव्या सज्जन नमस्कार। आज हम आपका स्वागत करते हैं एक और अनोखा वीडियो। आज हम बना रहे हैं किचन में बटर गार्लिक प्रॉन्स। तो अभी हम बेसिकली क्या स्टार्ट करेंगे, प्रॉन्स लेंगे। प्रॉन्स को ऑल्दो ये डिवेंड है, ऑल्दो कटे हुए हैं, बट अगर आप ठीक से देखेंगे तो उसमें ऑलवेज थोड़ा सा जो प्रॉन का इंटेस्टाइन होता है टट्टी रह जाती है थोड़ी सी, तो उसको हम साफ करेंगे। अभी कुछ हमने ऑलरेडी साफ कर लिया है यहाँ पे, और दूसरा जो पोर्शन है वो यहाँ पे अभी हम साफ कर रहे हैं। तो अगर आपको हम दिखाएं तो मेजॉरिटी वाइज तो ये ठीक साफ दिख रहा है, बट ऐसे हम काटेंगे कभी कभी ये देखिए ये गंदगी निकल आती है, देख रहे हैं आप। तो थोड़ा साफ सफाई रहे, पेट खराब नहीं होगा, हाजमा अच्छा रहेगा। तो ये वाला जो प्रॉन है आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि काफ़ी नीट एंड क्लीन है, बट पीछे से आप देखिए ये एक नली जो है प्रॉन की चालू है। तो उसको हम पकड़ेंगे और काट देंगे तो वो निकल के आ जाएगी। ये जो है ना ऐसे ये करना बड़ा ज़रूरी है, वरना पेट आपका खराब हो। तो दिव्या सज्जन, हमने अभी प्रॉन्स को सारा साफ कर दिया है। प्रॉन्स साफ करने के बाद अपने हाथ जरूर साफ कर लिया करेंगे। अभी हम प्रॉन्स को मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेटिंग द प्रॉन्स हैपेंस लाइक दिस। फर्स्ट थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए, इससे इतने से कुछ नहीं होगा, बड़ा वाला करके। प्रॉन्स में थोड़ा सा नमक डालिए, प्रॉन्स में थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, प्रॉन्स में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, ये सब डालने के बाद इसको मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, फ्लेवर जो है नमक का काली मिर्च का जो है पूरी सब जगह ऐसे घुल मिल जाना चाहिए। और इसको करने के बाद हम इसको करीबन 15 मिनट तक छोड़ देंगे। तो प्रॉन्स जो है मैरिनेट हो चुके हैं, 10-15 मिनट रखे हुए थे यहाँ पे। अब हम रेडी हैं, हमारे पास एक वॉक है। वॉक में हम पहले डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो इवन दो दिस इज गार्लिक बटर प्रॉन्स बटर, बट ऑयल डालना ज़रूरी है, वरना बटर जो है बटर की जलने की संभावना काफ़ी रहती है। हमारा गैस स्टोव है, चल नहीं रहा है, तो गैस स्टोव को चालू कर दिया है। गैस स्टोव में हम अच्छे से काफी सारा बटर डालेंगे और छोड़ देंगे। दिस विल बी ऑल द बटर दैट वी नीड टू पुट इन द कढ़ाई। तो अभी हमारे पास एक स्पैचुला है, इसको लो और बटर को सारा पिघला देंगे। हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स अभी हैं वो है गार्लिक, स्प्रिंग अनियन ग्रीन, स्प्रिंग अनियन का अनियन एंड कोरिएंडर। अभी क्योंकि घर पे और दूसरे ग्रीन्स नहीं थे इसलिए हम डाल नहीं रहे हैं, बट अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डाल सकते हैं, जैसे थाइम है या रोजमेरी या पार्सली। तो इस प्रकार के ग्रीन सब डाल सकते हैं। तो बटर में हमने अभी डाल दिया है गार्लिक, अच्छे से बहुत सारा गार्लिक, जो कि बहुत फाइनली चॉप टाइप का था, एक्चुअली वो ग्रेट हुआ हुआ था। छोटे छोटे जो आप गार्लिक के क्लोव्स होते हैं उसको आप इस टाइप के ग्रेटर में ग्रेट कर दीजिए, काफ़ी जल्दी काम होता है। ये हमारा टिप नहीं है, ये माधुरी का टिप है, माधुरी को मिलाते हैं आपके बाद में। तो अब जो है हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी प्याज, छोटी छोटी कटी हुई है ये प्याज को भी इस करके इसमें डाल दिया जाए।
तो हमें जो है गार्लिक और ये सब जो प्याज है इसको जलाना नहीं है, बहुत ही हल्का थोड़ा सा कुक करना है। उसके बाद सारे प्रॉन्स लेने सारे के सारे और उसको डाल दीजिए अंदर। इसमें हिलाना प्रॉन्स को काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज यू डोंट वांट द बटर टू बर्न बेसिक। पानी वानी हम कुछ नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि कुछ देर कुक होने के बाद प्रॉन्स अपने आप ही अपना पानी निकालते हैं तो सॉस जो है वो अपने आप ही बन जाएगी, ठीक है ना। बस ये करना है कि हमें इसको स्टोर करते रहना है, चलाना है थोड़ा। तो आप ये देख सकते हैं इसका जूस जो है निकलना चालू हो गया है। इसको थोड़ा और हम स्टोर करते रहेंगे, जूस निकलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम काफ़ी देर से इसको स्टोर कर रहे हैं, हमने गैस धीमी कर दी है। इसको हम हाई गैस पे रखेंगे तो मक्खन बर्न होने के चांस हैं, धीमी गैस पे हल्की गैस पे। आप देख सकते हैं इसका जूस जो है बहुत बढ़िया निकल के आ रहा है। अभी तक हमने इसमें कुछ पानी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं किया, इसको शेक करते रहिए और छोड़िएगा। काफी ग्रेवी इसकी बन गई है, बस शेक करते रहिए। गार्लिक को चिपकने मत दीजिए और बटर जो है उसको भी चिपकने मत दीजिए वरना जल जाएगा। तो अभी हम इसमें थोड़ा नमक और डालेंगे और काली मिर्च, ये आपको याद रहे कि प्रॉन्स में इनहेरेंटली काफ़ी नमक खुद का होता है तो बहुत ज़्यादा नमक ना डालें वरना बहुत हल्दी हो जाएगा। लास्ट मिनट में भी अगर आपको लगे कि नमक कम है तो बाद में ज़रूर और डाल दीजिए, बट ज़्यादा एक बार कर दिया तो फिर वापस कम नहीं। अब हम इसमें स्प्रिंग अनियंस डाल रहे हैं और थोड़ा सा कोरिएंडर भी, थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि उससे हम गार्निशिंग करेंगे। ये सब डालो और फिर वापस से। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी चाहिए तो आप चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो जैसे चीज़ें भी डाल सकते हैं। तो हमारे घर में पिज़्ज़ा काफ़ी आता है, ये चिली फ्लेक्स हैं, चिली फ्लेक्स हमने लिए, चिली फ्लेक्स डाल दिए। सेम प्रकार से पिज़्ज़ा काफ़ी आता है और ये सीजनिंग पड़ी हुई है उसको हमने खोला और उसको भी डाल दिया। ऐसे मत किया करिए, अब ये तैयार है, अब हम इसको निकालते हैं। ये जो कढ़ाई में चिपका हुआ है इसको ज़रूर निकालिएगा, काफ़ी अच्छा बटर है, स्पाइसेस हैं और जो ग्रेवी है इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। टोस्ट के साथ, सैंडविच के साथ जैसे भी आपको खाना है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है, मन तो कर रहा है कि आप ही खा लें।
Bunny, should I give you one small baby prawn? Okay. Try this. Baby. It's hot. Oh, baap re. Do poo and take it. Ah, very good. Delicious. Oh, wow. So, ladies and gentlemen, today we made this and now we're going to test out how it is. ये तो लाजवाब बना है, क्या कहें, ये तो ऐसे ही बहुत मस्त है। तो सबको देखना था माधुरी कौन है, कौन इतनी अच्छा खाना खिलाती है हमें। ये माधुरी है, हेलो बोल ले सबको। शर्मा रही है आज थोड़ा। तो देवी और सज्जनों, आज का ये था हमारा प्रॉन का रेसिपी। सारे एक्साइटेड हैं ये प्रॉन खाने के लिए, छोटी छोटी बेबी भी एक्साइटेड है। तो ट्राई करिए और हमें बताइए कैसा लगा आपको। थैंक यू।